हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं पंकज माउंटेन ट्रेवलर। आज है 11 जुलाई और लॉकडाउन फिर से लग गया है, तो हम मस्ती करने जा रहे हैं। अभी हमारे साथ बने रहिए, अभी आपको दिखाते हैं गंगा की कटरी में क्या क्या मस्तियां करते हैं हम। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी गंगा के घाटों पर नहाना पूरी तरह से रोक लगी हुई है, तो अगर आप जिस किसी को अगर नहाना है तो ये घाट सुरक्षित है, यहाँ पे आप नहा सकते हैं, यहाँ कोई भीड़ नहीं मिलेगी। तो दरअसल हम यहाँ पे आ चुके हैं, तो बच्चे वहाँ पहुँच चुके हैं, उन्हें मैंने पैदल ही यहाँ से जाने के लिए बोल दिया है क्योंकि अभी मैं वीडियो शूट करूँगा। तो ये वो बहुत अच्छी जगह है, यहाँ अगर आप गंगा के जो घाट है वहाँ पे अगर भीड़ ज़्यादा है तो आप यहाँ पे आके नहा सकते हैं। तो अभी आप चलो दिखाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में लोगों को गंगा के घाट जो मेन घाट है वहाँ पर नहाना पूरी तरह से रोक लगी हुई है। तो ऐसे में अगर आपको गंगा के का स्नान करना है, यहाँ के पावन जल का आपको आनंद लेना है, अपने पाप धोने हैं, तो आप इस स्थान पर आ सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना जल का स्तर यहाँ बढ़ा हुआ है, ये कितनी अच्छी जगह पर ये छोटा सा घाट है। यहाँ लोग बहुत ही कम मात्रा में आते हैं, आप देख सकते हैं कितनी मात्रा में यहाँ पानी है और कितना अंदर अच्छा सुंदर दृश्य है। आप यहाँ पर आके आप बोटिंग का भी मज़ा ले सकते हैं। अब मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखिए नाव यहाँ पर दूसरी तरफ से आ रही है। और आपको मैं दिखा दूं, यहाँ पे एक गांव है जो बिल्कुल गंगा के सटीक है, वो अभी आपको दिखाता हूँ, जो कि बिल्कुल गंगा के किनारे है। आप देख सकते हैं बिल्कुल गंगा के किनारे ये बसा हुआ है। यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस किन किन परेशानियों का सामना इस गांव को करना पड़ता होगा जब गाँव गंगा का बहाव बढ़ जाता हो। तो जिस किसी को यहाँ आना है तो आ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।